नमस्कार दोस्तों, किचन ऑफ भारतीय जायका कविता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं साबूदाने से टिक्की बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो व्रत में फलाहार में खाया जाता है और ये बहुत ही अच्छा, ऊपर से क्रिस्पी होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है। तो आइए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 100 ग्राम मीडियम साइज़ के साबूदाने लिए हैं। इनको अब हम पानी डालकर वॉश कर लेंगे, अच्छे से हाथों से मलते हुए वॉश करने हैं। इसमें से वाइट वाइट पानी निकलेगा, जिसे हम अलग कर देंगे। अब इसको हम 3 से 4 बार वॉश करेंगे, जब तक इसमें वाइट वाइट पानी निकलेगा, जब तक इसे वॉश करना है। और इसका वाइट पानी निकल गया है। अब इसको हम इतना पानी डालेंगे कि साबूदाने हमारे डूब जाएं। 4 से 5 घंटे हमने इनको सोख होने के लिए रख दिया था। अब ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें मैंने 4 आलू बॉईल करे हुए हाथ से मसल लिए हैं, या आप कद्दूकस से भी खींच सकते हैं, क्रश कर लीजिए। अब इनको मैं इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ। इसमें हरी मिर्च 2 कट करके डाली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। अगर आप खाते हो तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिए। इसमें कुछ पीनट्स को मैंने क्रश कर लिया था, वो हैं, काली मिर्च पाउडर है थोड़ा सा, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें फलाहारी नमक है और आधा नींबू का रस है, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर है। अब इसको मैं अच्छे से मैश करती हूँ। अगर आप इसमें से कोई चीज़ व्रत में नहीं खाती हूँ तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ये मैंने हाथों से अच्छे से मैश कर लिया है। अब देखिए इसके में गोल गोल लड्डू जैसे बनाऊंगी और उनको हाथों की सहायता से ही चपटे कर दूंगी। इस प्रकार मैंने इसको टिक्की का शेप दिया है। इसी प्रकार मैंने सारी टिक्की अपनी बनाकर रख ली है। फ्राई पैन गर्म हो गया है। अब इसमें मैं अपनी टिक्की जितनी आ सकती हैं उतनी इसमें रख दूंगी। गैस मेरी ऑन है और इसको मैं थोड़ा सा घी डालकर इनको शैलो फ्राई करूंगी। इस प्रकार इनको अलट पलट करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नई नई रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस प्रकार हम इसको अलट पलट करते हुए अच्छी क्रश करेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे। इस प्रकार मैंने थोड़ा सा घी इसमें और ऐड करा है। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी बनी है, ये बहुत टेस्टी है, सभी को बहुत पसंद आती है। इस प्रकार ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इस प्रकार ये कितनी अच्छी लग रही हैं, और इनको आप हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व करिए या फिर दही के साथ करिए। आप किसी के भी साथ इसका टेस्ट ले सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। Thanks for watching.